सो गाइज, तो चेकआउट हमने कर लिया है होटल से, एंड अभी जो बड़े बैग्स दो थे वो हमने यहीं पे रख लिए हैं, तो अभी हम आगे तुलेल के लिए जा रहे हैं। सो अपनी जो निंजा है वो हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इदरीस भाई और मैं दोनों एक ही बाइक पे अब जाएंगे, दैट इज़ दिस पल्सर 180। इसका थोड़ा सा काम करना है कल, एक्चुअली इसका कुछ ब्रेक फ्लूड जो यहाँ से वो लूज़ हो गया था, तो एक बार वो भी चेक करा देते हैं, एंड अपनी बाइक रहेगी यहीं पे। सो मिलते हैं आप सबसे डायरेक्टली इस बाइक पे। सो गाइज, एक्चुअली हम पुलिस स्टेशन पे रुके थे, हमको लगा था यहाँ से कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी, बट पुलिस वाले ने बोला कि यहाँ पे कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती आपको तुलेल के जाने के लिए। एंड मेक श्योर कि जहाँ जहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट मिले नाके के लिए, तो वहाँ पे ज़रूर रुके, क्योंकि अगर आपको कोई एंट्री पॉइंट मिस हो गई जहाँ पे आपने बाइक रजिस्टर नहीं कराई है, तो आपको वापस भेजेंगे अगले पॉइंट से पिछले पॉइंट पे रजिस्टर कराने के लिए। एंड रोड यहाँ से थोड़ा सा, वैसे थोड़ा के आगे जाके तो बहुत ही ख़राब होने वाला है रोड। एंड अभी इदरीस भाई भी मेरे साथ ही बैठे हैं पीछे बाइक पे, निंजा वाली बाइक जो है वो हमने वहीं पे रखी है फ्लैट के बाहर ही। सो यहाँ से तुलेल की जो डिस्टेंस है समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर्स है, फिर उसके आगे दूसरे गांव हैं, तो वो भी हम आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर रास्ते में कोई अच्छी खूबसूरत जगह मिली तो वो भी मैं कैप्चर साथ साथ करता रहूँगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बोर्ड लगा हुआ है, एंड व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा है। सो लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हबा खातून पीक। तो ये हर दिन के हर टाइम पे इसका कलर जो है वो चेंज होता रहता है। सुबह आप देखोगे तो सबसे अर्ली मॉर्निंग रेज जो होती है जब सूरज उगता है, तो वो सबसे पहले हबा खातून पीक पर ही पड़ती है, और जो शाम का वक्त होता है वो तो मैंने कल आपको दिखा दिया था कि कैसा होता है वो, उस टाइम पर तो मतलब मन ही नहीं करता वहाँ से निकलने का। तो हाँ, तो यहाँ पे हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो कैमरा को अभी बंद कर देते हैं इस जगह। सो गाइज, अभी हमने एक और जगह एंट्री कराई थी वहाँ पे, तो इन केस आपको तुलेल जाना है तो तुलेल के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरी एंट्री करनी पड़ती है। एंड यहाँ पे फिर से हम कैमरा बंद कर रहे हैं क्योंकि फिर से आर्मी एरिया है। सो गाइज देखिए ऑफ रोड पैच कैसा है यहाँ पे तुलेल जाने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड द रियल ऑफ रोड। तो इतनी जगह में गया हूँ, लद्दाख में गया, नुब्रा, पेंगोंग, हर एक जगह गया, लेकिन ये इस जगह की कुछ बात ही अलग है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी किसी टनल के थ्रू जा रहे हैं। तो देखिए हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। तो आज का जो हमारा व्लॉग रहेगा वो मैं पूरा कवर करा देता हूँ, जहाँ हमारा रूम था वहाँ से तुलेल तक। एक्चुअली तो मेरे को ये जगहों का नाम पहले ज़ुबान पे जल्दी जल्दी नहीं आता है। तो आज का मोटो व्लॉग रहेगा एपिसोड 3 में, सिर्फ मोटो व्लॉग रहेगा तुलेल तक का। एंड कल वाले व्लॉग में हम आपको पूरा तुलेल दिखा देंगे एक्सप्लोर करके, एंड वो शायद कैंप, ये टनल है कुछ, तो टनल बन रही है यहाँ से, जो ये नदी बह रही है, तो दिस इज़ नीलम वैली। तो यहाँ पे दो, एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है वो कृष्ण गंगा का जो ये पानी है वहीं से आता है इसका ओरिजिन। एंड यहाँ पे आपको हर कोई कहीं से भी आप पानी पी लो तो दैट विल बी 100% प्योर वाटर। फूड्स, आज अपनी अपाची की याद आ रही है, एक्चुअली वो इन रोड्स पे भी बहुत बहुत मस्त इसका ग्रिप बनता था। सो इदरीस भाई भी पीछे व्लॉगिंग कर रहे हैं अपनी कैमरा के साथ। हाँ, बाइक थोड़ी सी बंद हो रही है, इसका बैटरी, एक्चुअली बैटरी का कुछ इशू हो गया है इसमें। तो ये जो रोड है ये आपको पूरा स्पीति वैली, और यहाँ पे एक और जगह है पंगी, वहाँ वो आपको याद दिलाएगा ये जगह। तो
गाइस अगर ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी किसी ग्रीन टनल में जा रहे हैं, यहाँ से भी पेड़ है, यहाँ से भी पेड़ है, एंड दिस वे लाइक कहीं पे लाइक ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है रास्ता, ऐसा है ये पूरा स्ट्रेट एंड तक दिख रहा है। और यहाँ का जो पानी है वो उसका कलर और टेस्ट टोटली डिफरेंट है। लाइक अभी आप ये प्योर पानी देख रहे हो ग्रीन कलर का, तो ये ग्लेशियर से मेल्ट होके आ जाता है, वो जो वहाँ पे आप ग्लेशियर कैप्स देख रहे हो एंड यॉक। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि इस मोटो व्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगहें दिखती हैं जो मेरे को कैप्चर करना ज़रूरी है। तो जैसे आप ये पहाड़ देख रहे हो और ये सामने जगहें देख रहे हो, दीज आर टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, तो ये तो कैप्चर करना बनता है बॉस। यहाँ पे कहीं पे रोड प्लेन होता है तो थोड़ा सा जब भी एक्सीलेटर खींचते हैं तो वहीं पे सामने ऑफ रोडिंग पैराजिक आ जाता है। ओ भाई नीचे देख कहाँ सके भाई, बोनू बिच कोता इंच थे। मैं आगे स्पॉन एक चर्च और इस एरिया जैसा हाई सिक्योर्ड जोन मैंने कहीं पे नहीं देखा है। मैं इतनी जगहों पे गया हूँ लेकिन दिस इज़ टोटली डिफरेंट, नेक्स्ट लेवल। तो हर किसी पॉइंट पे एंट्री एग्जिट वो आपको हर जगह ज़रूरी कराना है, ऐसे कंपलसरी भी है, क्योंकि वो जो आप पहाड़ देख रहे हो सामने उस ये पाकिस्तान का पहाड़ है एंड दिस वन इज़ ऑफ इंडिया, तो इतना तो बनता ही है। दो बंदों की बात सबसे अच्छी ये है कि जहाँ पे मैं थक जाऊँगा वहाँ पे इदरीस भाई चलाएंगे और फिर आगे सेम ऐसे ही चेंज करते रहेंगे। निंजा इन रोड्स पे नहीं लगेगी, वो बहुत ज़्यादा थका देती है जब ये है अपनी वाटर क्रॉसिंग। हाय 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 हाय, क्या पैच था। इदरीस भाई इस जैसा ऑफ रोड मेरे को नहीं लगता है कहीं पे होगा। मैं नुब्रा वैली गया हूँ, मज़ेदार ऑफ रोड, ये वो नहीं है ऑकवर्ड, मज़ेदार ऑफ रोड है। भाई ये सुसाइड कर रहे हैं कि मरने आ रहे हैं। मेरे को लगा सुसाइड कर रहे हैं भाई।
फर्स्ट गेरी ड्रेस तिया से आना तो गाइस ये जो आपको छोटा सा गांव दिख रहा है तो इसका नाम कशपाट है एंड इदरीस भाई के सब्सक्राइबर यहां भी मिल गए हैं। शेखपुरा बोल रहा था आगे है तो वहां पे जाएंगे तो ये वाले बाइकर्स भी अपने साथ जुड़ गए हैं। सबसे अच्छी बात है सारों के पास पल्सर 180 है। पल्सर ही आया ना पल्सर पल्सर मीन है खुश कैसा प्रमोट करो इदरीस। तो गाइज अभी हम जड़की पहुंच गए हैं। ये यहाँ का एक छोटा सा गांव है तो कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पे जूस वूस ले लेते हैं एंड यहाँ पे अपने कुछ और भाई मिल गए हैं तो कुछ खा पी लेते हैं और फिर आगे चलते हैं सीधे दलेल के लिए। और ये अपने जो बाकी भाई है ये भी सारे दलेल जा रहे हैं। सो गाइज अभी हम दूसरे एक विलेज के थ्रू गए हैं तो इस विलेज का नाम है PTL। सो इसके बाद हमको शेखपुरा जाना है और शेखपुरा से फिर आगे आगे पता करते करते जाएंगे कि कौन सी जगहें आएंगी ताकि हम एक मिनट रुको ताकि हम तुलेल पहुँचे। और ये सारे अपने भाई हैं तो ये भी सारे जा रहे हैं वहीं पे एंड अभी हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया यहाँ पे एंड अभी चलते हैं आगे देखते हैं सामने कौन सी जगह आती है तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये हो गए हैं अपने और तो भाई हाँ। तो गाइज़ अभी हम नीरू पहुँचे हैं तो यहाँ पे एक और एंट्री करानी पड़ती है तो ये 13th एंट्री है अपनी। सो गाइज़ ये है नीरू का गांव। अबे मर गए भाई तो यहाँ पे आप पूरे देख रहे हो लकड़ी के बने हुए हैं। गाइज बहुत टाइम के बाद हमने ये ऐसा स्ट्रेट रोड देखा यहाँ पे। ऑफ रोड करते करते नेक में पेन हो गई थी हाथों में दर्द होने लगा था तो ये रोड देख के अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इदरीस भाई कैसा फील आ रहा है इस रोड पे? खूबसूरती देखो इस जगह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सीरियसली। इदरीस भाई एक बात है जितना हम आगे आगे बढ़ते हर जगह पिछली जगह से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है ना तो उस पार्क भाई नहीं होगा उस पार कुछ अलग ही दुनिया होगी सही में हाँ एग्जैक्टली वो बलोचिस्तान वो एग्जैक्टली एक का तो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी जुबान पे क्या है वहाँ से बोलते हैं कि यहाँ कितनी खूबसूरत जगह है। एग्जैक्टली अबे भाई टेंशन मत ले तू इसकी टायर ठीक है अरे डरता हूँ मैं। सलाम अलैकुम। ओ
इतना बड़ा पॉट होल भाई, कोई पत्थर वत्थर ना आ जाए, कोई पत्थर से ना मारे। गाइज अभी एक और एंट्री करानी पड़ती है यहाँ पे, हम इस टाइम पे बड़ू गांव में हैं, तो ये 15th है आई गेस, 15th यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है। तो यहाँ से चकवाली अभी 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, एंड वो वहाँ से आप देख सकते हैं पानी कितना सुंदर है। तो अभी इधरी से अंदर एंट्री करा रहे बाइक की, एक्चुअली वहाँ की तरफ कैमरा नहीं दिखा सकता ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस। तो तब तक आप थोड़े से पहाड़ देख लीजिए कैसी जगह है। बेडू बेडू ओ यार कुछ अंदर से ना निकले। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हॉल्ट किया है, बाइक एक्चुअली थोड़ी सी हीट अप हो गई थी, तो अभी आगे चलते हैं। इदरीस भाई मन है आगे जाने का? मन है, सही है। तो आगे कहाँ पे कौन सा काम हो रहे थे, कहाँ जाना है? चकलोर, चकलोर, चकलोर। हाँ तो चकलोर जो है वो लास्ट स्टॉप है यहाँ का, उसके बाद नहीं जाने देते हैं। पूरा पता, लेकिन वहाँ जा पाएंगे कि नहीं ये रोड की कंडीशन पर डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा। हाँ आगे अगर आप रोड देख पाओगे तो रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अभी आप पीछे आपने देखा कि कैसे वो ऑफ रोड पैच था, तो वो तो शुरुआत है इसकी, इस रोड की। तो देखते हैं कहाँ तक बाइक लेके जाती है, तो मिलते हैं आपसे आगे। गाइस बाइक की हालत, गाइस इदरीस भाई के हेलमेट की हालत देखे क्या हो गई है। इदरीस भाई बोल रहे हैं इसको यहाँ घर जाके फेंक देना इस हेलमेट को, अब साफ तो होगा नहीं ये। सो गाइज यहाँ से बरोब जो है 43 किलोमीटर्स है, गुजरन 50, चकवाली 56 और कबूल गली 73। तो कबूल गली तो जाने नहीं देंगे, तो चकवाली तक देखते हैं। वैसे बाइक अभी ख़राब हो गई थी, तो इसका जो चेन सेट है वो लूज़ हो गया था, तो किसी तरह मैनेज करके इसको ठीक कर ले इस बाइक को, एंड अभी आगे लेके जाएंगे। तो हो सकता है पॉसिबल हो पाया तो चकवाली आपको दिखाएंगे, नहीं हो पाया तो यहाँ से वापस लौट चलते हैं। हाँ तो गाइज़ हम यहाँ से एक्चुअली वापस जा रहे थे, तो थैंकफुली ये अपने भाई जिनके जिनके साथ हम पहले वीडियो बना रहे थे तो वो मिल गए। इन्होंने मोमेंट पास 7 बंदूक का लाया था, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनकी एक बाइक ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इदरीस और मैं आगे जा रहे हैं। तो अभी आज पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर तक हम पूरा जाएंगे, चकलोर तक, और फिर आगे देखते हैं कहीं और तो नहीं रोकेंगे। वैसे मोमेंट पास तो अब साथ है, अब आई डोंट थिंक कि कहीं पर रोकने चाहिए। सो गाइज अभी हम मलनगाम पहुँचे हैं, तो यहाँ के घर देख सकते हो आप, कितने प्यारे घर हैं, सारे लकड़ी के बने हुए हैं। आई विश के अंदर जा पाते और पूरा आपको दिखा पाते कि ये घर अंदर ही से कैसे होते हैं। ये है अपनी मस्जिद शरीफ, एंड ये नाला कोई बह रहा है यहाँ से, वो शॉप है। एक्चुअली ये जो बाइकर्स थे, हमको नहीं पता था कि रास्ते में कोई रेस्टोरेंट भी है जहाँ से कुछ खा पी सकते हैं, बट ये कुछ खा के, एंड इदरीस और मैं सुबह से भूखे, बस एक चाय सुबह पिए। तो अभी देख लेते हैं, इनके वहाँ पे कुछ जूस वूस हुआ तो वहाँ चलते हैं और पता करते हैं कि वहाँ पे कुछ मिलेगा खाने के लिए। और आप ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। तो ये मलनगाम है जी, खाने पीने की जगह है कोई यहाँ पे? क्या खाने पीने? हाँ कोई भूख लगी? नहीं नहीं शुक्रिया शुक्रिया, नहीं 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 शुक्रिया शुक्रिया। अरे सर सर आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं हम यहाँ पे कुछ खा, जूस उस मिलेगा ना दुकान के पास? जूस मिलेगा दुकान के पास। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नहीं आप तकलीफ बिल्कुल भी मत करो। तो ये यहाँ के मलनगाम के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे, हमने इनको कुछ खाने के लिए मांगा तो बोल रहे अपने घर आ जाओ और कुछ खा पी लो। तो अभी कुछ खा लेते हैं, यहाँ पे दुकान है सामने।
तो गाइज आपको एक बार इनके घर भी दिखा देता हूँ अंदर से कि कैसे होते ये। तो ये लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारे चल के, तो एक बार जाते किसी घर में और देखते कैसी है अंदर से जगह है। तो आप ये पीछे हमारे पूरा गांव आ गया अंकल जी। आप 6 महीने यहाँ पे बर्फ होती है तो उन 6 महीने को क्या करते हो? 6 महीनों को बस बैठे रहते हैं घर के अंदर, घर के अंदर होती है। ओके, लकड़ी जला के उसके गर्म हीट मिल जाती है, उसकी बैठे रहते हैं बस अंदर, खाना पीना टेम्प होता है। बट सीरियसली अंकल जी एक बात बताओ, जन्नत में रह रहे हो सीरियसली? बहुत बहुत प्यारी, कोई टेंशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता, बस अपने रूम में चले गए, बाकी दिन को निकलते हैं बार बार भी निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ना ठंड होती ना कुछ ज्यादा होती, बर्फ पड़ती है ना। एक बार अंदर चलते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये है किचन, कौन ये वाला? अस्सलामुअलैकुम। ये है चूल्हा, चूल्हे का भी ले लो आप, इसमें हम खाना बनाते हैं चूल्हे में, और यहाँ पे खाना बनाते हैं, इसके जरिए से हमारा पानी बाहर गर्म हो जाता है, बाथरूम में दिखाएंगे। ओके ओके, जो ये है माशाल्लाह, बोलो 2 मिनट लगेंगे चाय बनाने को, बोलो 2 मिनट रुकोगे चाय बनाने के? 2 मिनट यार, गैस भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? लेट हो जाएगा, नहीं लेट नहीं हो जाएगा सर, देखिए नहीं बहुत लेट हो जाएगा। चूल्हा जलाएंगे ना, इसके जरिए से गर्म पानी मिलेगा हमको, यहाँ 24 घंटे गर्म पानी मिलेगा। तो 6 महीने इसके अंदर ही रहते हैं, सो 6 महीने बाहर नहीं निकलते, पूरे यहीं पे होते 6 महीने, जो भी यहाँ पे इनको जरूरत की चीजें वो अंदर ही मिलती है, वो हमको घर में मिलेगी, वो कहीं से लाने की जरूरत नहीं हमको, सब्जी वगैरह सब कुछ जो भी है वो सारा ये 6 महीने यहीं पे रहते हैं। 6 महीने तो हमको लगता है सुनने में बहुत आसान लगता है कि 6 महीने घर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। अभी हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, तो चलिए आप सर पहले। तो ये वाला रूम, तो जाइए अंदर, जाइए। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, शूज नहीं, नहीं नहीं सर, सर शूज लगा के नहीं जा सकते। तो यहाँ ये अंदर गेस्ट रूम है इनका, तो यहाँ पे बर्फ जो होती है वो बहुत होती होगी ना, मतलब सेकंड फ्लोर तक, सेकंड नीचे होती है। ये पूरा घर जो लकड़ी का ही होता है यहाँ पे ना, ये देखो आप लकड़ी की, देखो जो भी है आप दिखाओ इनको पूरा। हाँ जाओ जाओ, क्या बात कर रहे हैं यार, यहाँ नहीं फिर कहाँ जाओगे? चलो ओके चलते हैं, ठीक है, ओके खुदा हाफिज। तो गाइज देखा आपने लोगों का कितना प्यार मिलता है यहाँ पे, तो यही प्यार एक्चुअली चाहिए, बाकी सारा कुछ भी नहीं इसके सामने, इस प्यार के सामने। तो बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गांव भी है और लोग भी यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं। फाइनल स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और इस गांव का नाम है गुड़वाप। एक्चुअली आगे जाना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बाइक की भी थोड़ी सी जो है वो स्प्रॉकेट लूज हो गया था, तो उस पर रिस्क नहीं ले सकते अभी ज़्यादा, तो यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। उधरी सर मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इन भाई लोग ने थोड़ा सा रेस्टोरेंट में भी कुछ खा पी लिया है, तो हम कुछ बिस्किट्स एंड जूस पी लेते हैं यहाँ पे, एंड अभी यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि इस रास्ते में कुछ और इंटरटेनिंग मिला तो दिखाते हैं आपको, वरना वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। एंड कल का वीडियो जो होगा एपिसोड, उसमें दिखाएंगे हम आपको पूरी कैंपिंग जो हम अब्बा कोतर पीक के नीचे करेंगे। तो टिल देन गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।